Hello students, how are you all? I hope you are doing well with your studies. Today I'm Priyanka again with a new video, that is the part 2 of your history, chapter 2. Chapter 2 का कुछ हिस्सा रह गया था क्योंकि वो काफ़ी लेंदी था. तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे कुछ एंग्लो मैसूर वॉर्स. तो वो मैंने आपको बताया था कि 4 वॉर्स हुए थे जिसके अंदर पूरी तरह से साउथ में ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था. इसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर, मराठास एंड द इंग्लिश. मराठास और इंग्लिश के बीच का जो वॉर थे या बैटल्स जो लड़े गए और उसके बाद किसकी जीत हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे. आफ्टर द क्रशिंग डिफीट इन द हैंड्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत. लास्ट क्लास में हमने अहमद शाह अब्दाली के साथ जो 3rd बैटल के बारे में बात की थी, जो कि हुई थी मराठास के साथ. मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने 3rd बैटल ऑफ पानीपत में बहुत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था. बट दे बिकम एक्टिव अकेन, लेकिन उसके बाद मराठास दोबारा एक्टिव हुए. दिस टाइम दे हैड टू फाइट विद द इंग्लिश फोर्सेस. लेकिन इस बार उनको किसके साथ लड़ना था? इंग्लैंड के साथ, इंग्लिश फोर्सेस के साथ. मराठा फॉट 4 वॉर्स विद द इंग्लिश आर्मी इन द नेक्स्ट 40 ईयर्स. अगले 40 साल में मराठास ने अंग्रेज़ों के साथ 4 वॉर लड़े. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहला जो मराठा वॉर था वो 1775 से 82 के बीच में लड़ा गया, जिसके अंदर मराठा और इंग्लिश आर्मी ने वॉर किया. और हेड थे जो मराठा आर्मी के, जो हेड थे देवर कंट्रोल एंड मर्सी. इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर मराठास जो थे वो कंट्रोल में आ गए थे इंग्लिश की, और उनकी मर्सी, उनकी दया पर, मर्सी मींस दया, दया के पर निर्भर हो गए थे. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो 1803 से लेकर 05 के बीच हुआ. दो साल इस ये वॉर लड़ा गया, जिसके अंदर मराठा चीफ सिंधिया भोंसले एंड द इंग्लिश दोनों के बीच हुआ, अंग्रेज़ों के बीच में और सिंधिया भोंसले के बीच में. दिस वॉर गेव अ सीवियर ब्लो टू द पावर एंड प्रेस्टीज टू द मराठा. इससे क्या हुआ, सीवियर ब्लो मिला टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठा. ये सारी चीज़ किसकी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई, मराठास की पावर, उनका प्रेस्टीज बहुत अफेक्ट हुआ इस वॉर की वजह से. और इसमें भी जीत अंग्रेज़ों की हुई. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1805 में, दिस वॉर फॉट बिटवीन लॉर्ड वेलेसली एंड पावरफुल मराठा चीफ होलकर. होलकर और लॉर्ड वेलेसली के बीच में हुआ था, और जिसके अंदर लॉर्ड वेलेसली ने कंट्रोल कर लिया था काफ़ी साउदर्न एरिया को. द फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो इंग्लिश के बीच में और मराठा चीफ पेशवा बाजीराव टू के बीच में हुआ था. इन दिस वॉर मराठा कन्फेडरेसी वॉज डिफीटेड एंड मराठा पावर कम्प्लीटली केम टू एन एंड. और इसके अंदर मराठा पावर पूरी तरह से जो है एंड हो गई थी इस वॉर के अंदर. पेशवा बाजीराव ने पूरी तरह से हार गए थे पेशवा बाजीराव. अब आते हैं एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट्स. अब अदर स्टेट्स का देखिए, अदर स्टेट्स का क्या कंसेप्ट है. ये तो हमने पढ़ा मराठास और मैसूर का. अब देखते हैं कुछ और भी स्टेट्स थे. एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट्स, एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा करना या हरण कर लेना, जीत लेना ज़बरदस्ती. सिंध इसके अंदर सबसे पहले था, मराठास और मैसूर के बाद सिंध के 43 में ये हुआ था. द फियर ऑफ रशियन पावर मेड द ब्रिटिश ईगर टू सिक्योर देयर होल्ड. रशियन पावर ना आए इंडिया के अंदर, रशिया के लोग यहाँ ट्रेड करने ना आए, उस डर से ब्रिटिश ने क्या किया, सिक्योर किया अपना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबे टाइम तक वॉर चला ब्रिटिश का, और कंट्रोल किया है ब्रिटिश ने सिंध को किया था 1843 में. पंजाब इसके बाद 1849 में हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. रणजीत सिंह वहाँ के किंग थे, एम्परर थे पंजाब के. महाराजा रणजीत सिंह के रहते रहते ब्रिटिश ने कभी वहाँ पर कोई वॉर नहीं किया, क्योंकि ही वॉज़ वेरी करेजियस एंड पावरफुल. उनकी डेथ के बाद ब्रिटिश ने देखा कि वहाँ छोटे छोटे राजा आ गए, छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर बन गए, तो ब्रिटिश ने वहाँ पर अटैक कर दिया और सिक्स के साथ उन्होंने वॉर किया, जिसके अंदर अंग्रेज़ जो है उन्होंने एनेक्स कर लिया पंजाब को इन 1849. अवध आता है इसके बाद. द एनेक्सेशन ऑफ अवध
टू द ब्रिटिश एम्पायर एंगर्ड द इंडियंस सो मच दैट इज रिजल्टेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अवध में भी एनेक्सेशन किया ब्रिटिश एम्पायर ने, जिसकी वजह से एंगर्ड हो गए, बहुत गुस्सा आया इंडियंस के अंदर, बहुत गुस्सा उभरा, और उसका ही रिजल्ट था कि रिवॉल्ट हुआ 1857 का। 1857 का रिवॉल्ट हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है, जिसमें पहली बार हमारे इंडियंस ने अपोज किया था अंग्रेज़ों को। तो ये वॉर हुआ इसकी वजह से, अवध के जीतने की वजह से अंग्रेज़ों के साथ। इसके बाद एनेक्सेशन बाय सब्सिडियरी अलाइंस, अब कुछ अलग तरह के कानून लेकर आए थे अंग्रेज़, जिसकी वजह से, उन कानूनों की वजह से भी अंग्रेज़ों ने इंडिया को रूल किया, कब्ज़ा किया। कैसे? उन्होंने नए नए कानून बनाए, इतने जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सब्सिडियरी अलाइंस बनाए। सब्सिडियरी अलाइंस एक तरह के कुछ कानून थे जो कि वहाँ गवर्नर जनरल लेकर आए थे, उन्होंने उन सब्सिडियरी अलाइंस के थ्रू इंडिया के अंदर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया। सबसे पहला कंटिंजेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन इंडियन रूलर्स। कंटिंजेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी का मतलब होता है ब्रिटेन की, अंग्रेज़ों की अपनी एक सेना का थोड़ा सा हिस्सा। कंटिंजेंट का मतलब एक सेना का, सेना की टुकड़ा, एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो अंग्रेज़ों की सेना के होंगे वो इंडियन आर्मी के अंदर रहेंगे, इंडियन रूलर्स की आर्मी के अंदर में ज़रूर रहेंगे। इंडियन रूलर्स को टेरिटरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस सब्सिडियरी अलायंस के अंदर। एक ऐसी सब्सिडियरी अलायंस बनाई कि अंग्रेज़ी आर्मी को इंडियन रूलर्स को अपने साथ रखना पड़ेगा, जो भी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे। ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करना सारे राजाओं के लिए कंपलसरी नहीं था, जिन्हें एक्सेप्ट करना है उसके अंदर कुछ रूल्स थे। दूसरा जो रूल था सब्सिडियरी अलायंस का वो था इंडियन रूलर हैड टू सीक प्रायर परमिशन टू डिक्लेयर वॉर। इंडियन रूलर जो किसी के साथ अगर वॉर लड़ेंगे तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज़ों को परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम किसी के साथ वॉर करें या नहीं। इसके बाद द रूरल हैड टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट। ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को भी अपने कोर्ट, अपने दरबार में रखना होगा। अपना जो राजा का कोर्ट होता है, अपना दरबार होता है, वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेंगे। द रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन इन हिज किंगडम एक्सेप्ट अ ब्रिटिश। जो भी राजा सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा वो राजा किसी भी दूसरे यूरोपियंस को अपने यहाँ अपने किंगडम में नहीं रखेगा। दूसरे किंगडम जैसे यूरोपियन किंगडम जैसे फ्रांस का, डच का, स्पेन का या रशिया के, क्या कहीं के भी किसी भी रेजिडेंट को अपने पास नहीं रखेंगे, सिर्फ ब्रिटिश को रख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी द्वंद में रूलर वुड अग्री टू द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश के ही डिसीजन को मानना पड़ेगा। इन रिटर्न द कंपनी प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट द रूलर फ्रॉम इंटरनल। और इसके बदले में कंपनी ने क्या प्रोमिस किया कि वो राजा को दूसरी लड़ाइयों से, बाहरी और आंतरिक दोनों ही थ्रेट जो मिलते हैं, कोई दूसरा राजा थ्रेट करता है या कोई भी बोलता है, उससे बचाएंगे। इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, सम रूलर्स ऑफ एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस। कहीं कहीं के राजाओं ने, जिन राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, उसमें सबसे पहले थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसके बाद नवाब ऑफ अवध, पेशवा बाजीराव टू, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, द रूलर ऑफ त्रेवनकोर, केरला में था ये उस टाइम एरिया, अभी भी है, इसका नाम बदल दिया गया है, द राजपूत्स, इन सब ने सब्सिडियरी अलायंस को फॉलो किया, उन्होंने माना। इसके बाद एक और तरह का उन्होंने रूल बनाया था नेक्सेशन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? लॉ ऑफ सक्सेशन। मतलब इस लॉ के अंदर इसकी खासियत क्या थी? इसके अंदर था द इनफेमस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ही क्रूर, बहुत ही इनफेमस सी, बहुत जिसकी बहुत ही आलोचना लोगों ने बहुत बुराई की बाद में, आज भी उसकी बुराई होती है, बहुत ही गलत तरह की पॉलिसी शुरू की लॉर्ड डलहौजी ने, उस टाइम गवर्नर जनरल थे। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था? इफ़ द रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, किसी भी स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट का जो राजा है अगर मर जाता है विदाउट हायर मतलब अपने बेटे के बिना, अब उसका बेटा नहीं है और उससे पहले वो मर गए, और उसने उसका जो अडॉप्टेड सन है जिसको उसने गोद लिया होगा
वो राजा नहीं बनेगा, मतलब ना तो बेटी बनेगी और ना ही जैसे उनके भाई के बेटे या कोई और जिसको गोद ले लेते हैं वो कोई भी राजा नहीं बनेगा, बट स्टेट वुड गो टू बैक टू ब्रिटिश कंपनी। और जिनके कोई बच्चे नहीं होंगे जिस राजा के, वो जो एरिया है जो एम्पायर है वो पूरा किसके अंडर चला जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के अंडर में चला जाएगा। ये जो रूल था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन जो इस तरह से मर्ज हुए इंग्लिश पावर के अंदर, जैसे सतारा 1848 में, सतारा एमपी में, नागपुर 1853 में, झांसी 1853 में, झांसी का वॉर आपने पढ़ा होगा, झांसी की रानी, झांसी का जो बैटल हुआ था इसीलिए हुआ था, जायतपुर, संभलपुर, उदयपुर और भागट, ये सारी जगहें हैं जो कि एनेक्स कर ली गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। इसके बाद आते हैं डिफीट ऑफ इंडियन स्टेट्स। ड्रॉबैक्स क्या थे, हमारे जो यहाँ इंडियन जो राजा थे वो क्यों हारे, किस वजह से हारे ब्रिटिश से, तो उसके कुछ रीज़न थे, जैसे वॉर विद इन इंडियन स्टेट्स। हमारे यहाँ के राजा जो है आपस में ही लड़ते रहते थे, इंडियन रूलर्स के अपने आपस में ही छोटे छोटे वॉर चलते ही रहते, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और इस वार का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक राजा को सपोर्ट किया और दूसरे को हरा दिया। इंडियन रूलर फेल टू प्रोवाइड गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट। जो इंडिया में जो राजा आए वो सारे ही राजा एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने में पूरी तरह से फेल हो गए। इंटेंस इंटरनल राइवलरी एंड कंस्पिरेसीज, इंटेंस मतलब बहुत गहन, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली इंटरनल, मतलब राजाओं के बीच में ही छोटे छोटे षड्यंत्र चल रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसको भड़का रहे थे ब्रिटिश, और वो यहाँ फैलती गई और उसका फ़ायदा किसको अल्टीमेटली हुआ, ब्रिटिश को, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के राजाओं को, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1769 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश पावर जो है और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि वहाँ पर मशीनों से काम होने लगा, मशीनों से चीज़ें बनने लगी, वेल इक्विप्ड एकदम टूल्स बनने लगे, इक्विप्ड गन्स बनाने लगे, तोप बनाई, तो उस सारी चीज़ों से वो पावरफुल हो गए और आर्मी जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड हो गई, बहुत अच्छे उनके पास साधन हो गए आर्मी के पास। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था उस टाइम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं सबसे पहले तीन तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत कॉमन होता है कहीं के लिए भी किसी देश के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोगों के लिए रूल बनाए गए थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाए थे, इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज आज भी होती हैं, जो IAS PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं वो अंग्रेज़ों ने ही शुरू किए थे। कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को, इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहले लोग इंग्लैंड जाया करते थे। इसके अंदर क्या होता था, सारे कमेटी बनाई गई, एग्ज़ाम देने के लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ, फिर वो एग्ज़ाम जो है इंग्लैंड में दिया जाता था, लेकिन इंडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, इंग्लैंड सारे इंडियंस के लिए नहीं था कि वो जा पाएंगे, इसलिए सिविल सर्विसेज का इंडिया एग्ज़ाम बाद में इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया और इंडिया के अंदर ही कंडक्ट करने लगे। इंडिया के सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले जो पर्सन थे ही वो सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज का ये जो एग्ज़ाम था उसको पास किया था, ही वॉज फर्स्ट इंडियन। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास हैड ओनली इंग्लिश मैन एट हायर पोस्ट, उनके पास जितनी जो भी हायर पोस्ट थी वहाँ पर इंग्लिश मैन रखे हुए थे, लेकिन जितने भी सोल्जर जो सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, वो सब इंडियंस थे। ब्रिटिश आर्मी सोल्जर वर वेल ट्रेंड, ब्रिटिश आर्मी जो है अपने पर्सन्स को बहुत ही ट्रेंड करते थे, वाइल इंडियन वर ट्रेंड विद आउटडेटेड वेपन्स, लेकिन इंडियंस को क्या था, पुराने तरीकों से ही ट्रेंड किया जाता, जैसे लाइक स्वॉर्ड, तलवारों से लड़ना, तीर से और धनुष से लड़ना, ये सारी चीज़ें इंडियंस के लिए थी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी को जो है बहुत वेल ट्रेंड और नए नए बंदूकों से लड़ना सिखाया जाता था। इसके बाद द पुलिस सिस्टम भी था। अच्छा, एक चीज़ आपकी रह गई, दैट इज़ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किए थे बहुत सारे कोर्ट,
कोर्ट, जो आज हम कोर्ट सिस्टम देखते हैं, ये ब्रिटिश के थ्रू लाया गया था। इससे पहले लोग जो है पंचायतों में या अपने गांव के हेड होते हैं या जो राजा हैं उनके दरबार में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। तो लॉर्ड वेरन हास्टिंग ने सबसे पहले शुरुआत की थी सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट का मतलब है कि छोटे छोटे कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो कैलकटा में था, 1773 में ये बनाया गया था सबसे पहले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो हमारे यहाँ के चीज़ों को सॉर्ट आउट, हमारे केसेस को सॉर्ट आउट करते थे। इसके बाद देखिए अगला है पुलिस सिस्टम। पुलिस के अंदर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही पुलिस सिस्टम शुरू किया था। पुलिस सिस्टम के अंदर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था, देर वॉर, इससे पहले क्या था, अर्लियर देर वॉर सब जमींदार ही होते थे जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। कहीं किसी की ज़मीन की चोरी होने की या किसी की ठग की, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ज़मींदार सॉल्व करते थे। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसको एक सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट को चार्ज दिया सारी ड्यूटीज़ का जो कि ज़मींदार करता था, सारा प्रोटेक्शन का। इसके अंदर जो हेड थे ही वॉज डीएसपी। डीएसपी वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डीएसपी जो होता है डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी फुल फॉर्म है। आज भी डीएसपी ही हेड होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर। द थानाज वर द हेडेड बाय द दरोगाज। उसके बाद जो छोटे छोटे थाने बनाए गए, थाने का जो चार्ज था, हेड थे, वो दरोगाज को दिए गए, दरोगा होते थे। द विलेज वॉचमैन, विलेज के अंदर जो वॉचमैन थे वो टेक केयर करते थे विलेजेस की। एंड द लॉ एंड ऑर्डर बिकम फार मोर एफिशिएंट। और अंग्रेजों ने जो इस पुलिस सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, जो नियम कानून थे वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत अच्छे हो गए। द रूल ऑफ लॉ। इसके बाद रूल ऑफ लॉ एक ब्रिटिश ने शुरू किया जिसके अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर शुरुआत हुई। रिटन एंड इक्वल लॉज वर ब्रॉट इनटू इफेक्ट। ब्रिटिश आर्मी की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से ही सबसे पहले एक ऐसा नियम कानून बनाए गए जिसके अंदर सारे लोग, सारे जो इंडियन हैं वो सब कानून के सामने एक बराबर है। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर। तो ये रिटन था सबसे पहले जो है, ये शुरुआत हुई रूल ऑफ लॉ की, जो कि आज भी फॉलो किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज़ पर द रूल ऑफ लॉ, इस रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या था, एवरी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस के अंदर कास्ट, क्रीड, कास्ट मतलब जाति, क्रीड मतलब किसी धार्मिक समुदाय को या संस्था को फॉलो करने वाले लोग, रिलीजन किसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग, सेक्स जिसके अंदर मेल और फीमेल आते हैं, बिलीफ किसी भी चीज़ का विश्वास, वॉज कंसिडर्ड इक्वल। इन सब के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन सबको इक्वल रखा गया कानून में, सभी लोगों को इक्वल रखा गया। आई होप आपको ये चैप्टर ख़त्म आ गया हो गया समझ आ गया होगा। चैप्टर ख़त्म हो गया, ये वाला आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है फॉर द दिस मे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो मैं आपको बता दूंगी कब है। टिल नाउ अभी आपको इतने ही चैप्टर करने हैं। और अगर कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। और अगर लाइव क्लास का इतना इशू है तो पहले आप मुझे बताइए कि आपके डाउट किस रिगार्डिंग है, तभी मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि लाइव क्लासेस आर नॉट अलाउड। कि आप लोगों को सीरियसली अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप लिख कर बताइए कमेंट्स में, देन आई विल टेक योर क्लास। अगर मुझे नहीं पता आपके डाउट्स क्या हैं तो फिर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी। आप दो बच्चे चाहते हैं लाइव क्लास लो, बाकी कोई नहीं चाहता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है लाइव क्लास लेना। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप पहले उससे रिलेटेड डाउट्स को मुझे बताइए कमेंट्स में, देन आई विल टेल यू कि चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू।